हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी सब्जेक्ट एंड पार्ट नंबर है चार नंबर का है कथनी और करनी, जिसकी मैंने एक वीडियो आपको दे चुकी हूँ। अब हम सेकंड वीडियो पर आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। जो वाक्य बताए गए हैं हमें पढ़ना है, जो नीचे रेखांकित किए गए हैं शब्दों को उन्हें ध्यान से देखना है। नंबर एक में है रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है, बच्चों की टोली होली खेलने निकली है। नंबर तीन दो में है बच्चों की टोली होली खेलने निकली है। तीन नंबर में है सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। तीन नंबर में है सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। अब इन वाक्यों में बताया गया है कि इन वाक्यों में भीड़, जो भीड़ है, टोली, सभा, ये शब्द क्या है, ये शब्द समूह सूचक हैं। इन वाक्यों में क्या बताया, जैसे यहाँ पर अंडरलाइन की भीड़, रेखांकित जो की गए शब्दों को देखिए, भीड़, टोली, सभा, ये शब्द समूह सूचक हैं। ये शब्द समूह वाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इन वाक्यों में भीड़ टोली सभा ये शब्द समूह सूचक हैं। ये क्या बताते हैं, कलेक्टिव नाउन बताते हैं। कलेक्ट है यहाँ पर भीड़ में जो सब इंसान बहुत सारे होते हैं तो भीड़ बोलते हैं उसे, टोली को ये बोलते हैं, और सभा में जो बैठते हैं सब उसे सभा की जाती कही जाती है। तो ये सब क्या है, शब्द समूह सूचक हैं। ये शब्द समूह वाचक संज्ञा कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए समूह वाचक संज्ञा, जो शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूह वाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी क्या, जो शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूह वाचक संज्ञा कहलाते हैं। अन्य समूहवाचक संज्ञाएं जैसे गुच्छा है, दल, परिवार, जुलूस, मेला, झुंड, मंडली, ढेर, गठर आदि, ये सब क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञाएं। तो गुच्छा, दल, परिवार, जुलूस, मेला, झुंड, मंडली, ढेर, गठर आदि, ये सब कहलाते हैं समूहवाचक संज्ञाएं। अब हम आते हैं विशेष, देखिए प्रश्न उत्तर पर आते हैं। यहाँ पर प्रश्न एक में है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। एक नंबर में है मनुष्य स्वयं को क्या समझता है, मनुष्य जो होता है अपने को क्या समझता है, ए दया निधान, बी प्रेम का सागर, सी बुद्धि का भंडार, डी गुणों की खान। तो मनुष्य स्वयं को क्या समझता है, तो हम लिखेंगे गुणों की खान, जो डी है इसका, तो विकल्प जो है सही विकल्प है डी, गुणों की खान। तो मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। दो नंबर है बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं, नंबर दो में है बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं, ए पार्लर, बी सैलून, सी कैबिन, डी बोगी। तो हमारा जो है सही जो उत्तर है विकल्प है वो है केबिन। क्या है, केबिन। दो नंबर में लिखेंगे बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को केबिन कहते हैं। तो जो हमारा सी है, जो उसका है विकल्प का सी है, वो लिखेंगे केबिन। तीन नंबर में है मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था, मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था, ए तीन, बी चार, सी पांच, डी छह। ए तीन, बी चार, सी पांच, डी छह। तो हमारा जो है सही जो उत्तर है वो है चार।
मकान मालिक कितने महीने का किराया लेना आया था, तो लिखेंगे 4, जो उसका है सही विकल्प है बी 4। प्रश्न नंबर 3, मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था, ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। लिखेंगे 4 महीने का, तो मकान मालिक 4 महीने का किराया लेने आया था, इसका बी है, इसका जो सही विकल्प का जो है लेटर है वो है बी 4। 4 नंबर, बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था। प्रश्न 4 है, बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था, ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। इसका सही उत्तर है 8। बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता 8 वर्ष का था, इसका जो है जो लेटर है डी, ये आएगा 8, डी 8। 5 नंबर, जो लोग आदर्शों को अपनाते नहीं उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, जो लोग आदर्शों को अपनाते नहीं उनका आचरण अच्छा नहीं होता, यहाँ है आचरण बी जीवन, सी समाज, डी परिवार। हमारा सही जो विकल्प है वो है आचरण, ए आचरण, यहाँ लिखेंगे आचरण। तो जो लोग आदर्शों को अपनाते नहीं उनका आचरण अच्छा नहीं होता। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं देखिए कोष्ठक में लिखा हुआ है धूम्रपान, बारी, बरसात, आदर्श, गुण, तख्ती। नंबर 1 है, ईश्वर ने मनुष्य को कई, क्या है यहाँ पर खाली जगह से संवारा है, जो रिक्त स्थान है वहां पर हमें पूर्ति करना है, तो लिखेंगे ईश्वर ने मनुष्य को कई गुणों से संवारा है, यहाँ लिखेंगे गुणों। 2 नंबर, के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी, तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे बरसात। किसमें लगाते हैं, मौसम में अच्छे आते हैं हम, दरख्त लगाते हैं, झाड़ लगाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ बरसात के मौसम में। कौन से मौसम में, बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। 3 नंबर, लोगों ने लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा, लोगों ने जो तख्ती लगाई थी कि फूल तोड़ना गुनाह है, वही सज्जन फूल तोड़ रहे थे, तो लोगों ने तख्ती लगाई थी उन्होंने तख्ती लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा, यहाँ लिखेंगे तख्ती। 4 नंबर, बसों में खाली जगह का निषेध है, धूम्रपान करना वहाँ मनादी की जाती है, बसों में धूम्रपान, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं बसों में धूम्रपान का निषेध है, यानी मना है, बसों में धूम्रपान करना क्या है गुना समझा जाता है, का निषेध है, तो बसों में धूम्रपान का निषेध है। 5 नंबर, सदा अपनी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। 6 नंबर है, कई लोग आदर्श की बातें करते हैं उन्हें अपनाते नहीं, क्या करते हैं लोग, खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं आदर्शों की, लेकिन खुद उन पर अमल नहीं करते, खुद उनको अपनाते नहीं है, तो कई लोग आदर्श की बातें करते हैं उन्हें अपनाते नहीं। प्रश्न 3 है, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। नंबर 1, पार्क में लोगों के आने जाने से उन सज्जन को लगा कि आम है वे लोग इस पर कब्जा कर लेंगे, बाहे लोग
उसकी हरियाली नष्ट कर देंगे, काहे लोग फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। क्या ये पार्क में लोगों के आने जाने से उन सज्जन को लगा कि सही उत्तर जो है वो है लोग फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। दो नंबर है, एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, बामहे अपना काम किसी भी तरीके से करना चाहिए, कामहे अपने काम में पहले दूसरों का काम करना चाहिए। एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। सही वाक्यांश क्या है? एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि सही उत्तर है हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। उत्तर यही लिखेंगे, एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। नंबर तीन, बसों में लिखा होता है। नंबर तीन में है, बसों में लिखा होता है चढ़ते उतरते समय सावधान रहें, बा धूम्रपान का निषेध है, काम है शांति बनाए रखें। तो बसों में लिखा होता है, क्या लिखा होता है आप भी देखते हो, तो बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान का निषेध है। बसों में लिखा होता है बा जो उसका सही उत्तर है धूम्रपान का निषेध है। अब प्रश्न चार पर आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। नंबर एक है, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? उत्तर लिखेंगे, मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। दो नंबर में है, लोग पार्क से फूल तोड़कर न ले जाएं, इसके लिए सज्जन ने क्या किया? दो नंबर में है, लोग पार्क से फूल तोड़कर न ले जाएं, इसके लिए सज्जन ने क्या किया? उत्तर लिखेंगे, लोग पार्क से फूल तोड़कर न ले जाएं, इसके लिए सज्जन ने वहां यह लिखकर तख्ती टांग दी, फूल तोड़ना मना है। उत्तर लिखेंगे, लोग पार्क से फूल तोड़कर न ले जाएं, इसके लिए सज्जन ने वहां यह लिखकर तख्ती टांग दी, कि क्या लिख दिया, फूल तोड़ना मना है। तीन नंबर, फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या क्या कहा? तीन नंबर में है, फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? उत्तर लिखेंगे, फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा, मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो क्या बोले, जब देख लिए कि मैंने खुद तख्ती लटकाई और मैं खुद फूल तोड़ रहा हूँ, तो शर्म के मारे उन्होंने क्या बहाना किया कि मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा, मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। प्रश्न चार है, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया?
चार नंबर में है, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? उत्तर लिखेंगे, जो बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया, क्योंकि लिखा रहता है ना, धूम्रपान का लिखा रहता है, पर तो भी लोग पीते हैं, तो वहां पर जो है यहाँ लिखा है धूम्रपान का निषेध है, तो भी क्या लोग पीते हैं, तो बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? उत्तर लिखेंगे, बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। पांच नंबर, कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है, किसके लिए नहीं? कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध प्रत्येक किसके लिए है, निषेध किसके लिए है, किसके लिए नहीं? उत्तर, कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है, जो बस में यात्रा करता है उनके लिए है, ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए नहीं, ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए नहीं। छह नंबर का है, दुकानदार ने ग्राहक और अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया? दुकानदार ने ग्राहक और अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया? उत्तर लिखेंगे, दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका, पर अपने बेटे को नहीं। यानी लोग क्या है, दूसरों को नसीहत करते हैं और खुद ही वही काम करते हैं। दुकानदार ने जब ग्राहक आया उसका, तो उसने उसे वहां पर पार करने से मना कर दिया, तो और वहीं उसका बेटे ने किया। दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने, जो दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका, पर अपने बेटे को नहीं। सात नंबर है, मकान मालिक ने किराएदार का दरवाजा क्यों खटखटाया? मकान मालिक ने किराएदार का दरवाजा क्यों खटखटाया? उत्तर लिखेंगे, दरवाजा खटखटाने वाला मकान मालिक किराएदार से मकान का किराया मांगने के लिए आया था। दरवाजा खटखटाने वाला मकान मालिक किराएदार से मकान का किराया मांगने के लिए आया था। नंबर आठ है, मकान मालिक क्यों हंसने लगा? आठ नंबर का प्रश्न है, मकान मालिक क्यों हंसने लगा? उत्तर, मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं हैं। उत्तर लिखेंगे, मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं हैं। प्रश्न नौ, बिल भरने के लिए कतार में, प्रश्न नौ है, बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? नंबर प्रश्न नंबर नौ में प्रश्न, बिल भरने के लिए कतार में जैसे खड़े रहना पड़ता है, कतार में खड़े न रहने वाले तो सज्जन खड़े नहीं थे कतार में, उन्होंने क्या सिखाया था अपने पोते को? उत्तर लिखेंगे, बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। बिल भरने के लिए आए थे जो कतार में सब खड़े थे, लेकिन जो सज्जन बाहर कतार के बाहर थे, उन्होंने अपने पोते को यह सिखाया था कि कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। दस नंबर है प्रश्न का, जग में सम्मान कब मिलता है? उत्तर, जब कथनी और करनी समान होती है, यानी जो हम कहते हैं वही करते हैं, तब जग में हमें सम्मान मिलता है।
जग में सम्मान कब मिलता है? उत्तर लिखेंगे जब कथनी, जब बोलते हैं और लेकिन वही काम हम करते नहीं हैं, लेकिन जब जो हम बोलते हैं वही काम करते हैं, ऐसा काम जो करता है, जो दोनों की समान होती है कथनी और करनी, जो समान करते हैं, बोलते हैं वही करते हैं, उन्हीं को जग में सम्मान मिलता है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित तो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 है, फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था? जो फूल लगाने वाले सज्जन थे उन्होंने तख्ती लटकाई थी, तो वह क्या है, फूल तोड़ना मना है, और वही जो सज्जन थे फूल तोड़ रहे थे, तो फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था? उत्तर लिखेंगे फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी थी, उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है। तख्ती पर क्या लिख दिया था कि वह फूल तोड़ना मना है, वहां से आने जाने वाले लोग तख्ती को पढ़ते, तख्ती पर लिखी गई सूचना के कारण वे फूल नहीं तोड़ते थे। एक दिन सुबह लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही पार्क में फूल तोड़ते हुए देखा। एक दिन सुबह लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही पार्क में फूल तोड़ते हुए देखा। जिस काम को करने से उन्होंने दूसरों को मना किया था उसे वे स्वयं ही कर रहे थे, वे तो फूल तोड़ रहे थे, जबकि तख्ती लगाई थी कि फूल तोड़ना मना है, लेकिन वे स्वयं फूल तोड़ रहे थे। इस प्रकार उन सज्जन की कथनी और करनी में बड़ा अंतर था। प्रश्न 2 है, बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ? प्रश्न 2 है, बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ? उत्तर लिखेंगे, बस में यात्रा करते समय एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा। क्या हुआ, बस में यात्रा करते समय एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने उससे कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। क्या बोला उसको देखकर कंडक्टर ने? उसे देखकर कंडक्टर ने उससे कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने यात्री की जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फिकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा और दोनों सिगरेट जलाकर पीने लगे। एक यात्री द्वारा टोकने पर कंडक्टर ने कहा कि बस में धूम्रपान करने की मनाही केवल यात्रियों के लिए है, ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए नहीं। क्या हुआ, बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ? यानी जो है यात्री था उससे धूम्रपान करने की मना दी थी, लेकिन जो बस कंडक्टर है और ड्राइवर को पीने की मना दी नहीं थी। ये बताया है, बस में यात्रा करते समय एक यात्री बीड़ी चलाकर पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने उससे कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने यात्री की जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा और दोनों सिगरेट जलाकर पीने लगे। एक यात्री द्वारा टोकने पर कंडक्टर ने कहा कि
यानी बस में जो है यात्रालु जो यात्रा करते हैं यात्री होते हैं उनके लिए ही ये सूचना रखी गई है, जबकि कंडक्टर और बस ड्राइवर के लिए नहीं। कंडक्टर ने कहा कि बस में धूम्रपान करने की मनाही केवल यात्रियों के लिए है, ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए नहीं। इस प्रकार बस कंडक्टर के व्यवहार ने उसकी पत्नी और करनी का भेद प्रकट हुआ। यानी क्या, इस प्रकार बस जो बस कंडक्टर था के व्यवहार में उसकी पत्नी, उसने जो जो बोलता था वो करा नहीं खुद ने, लेकिन क्या है खुद ने वही काम किया, तो उसकी जो पत्नी थी और करनी का भेद प्रकट हुआ। 3 नंबर है, दुकानदार को पत्नी और करनी की पोल कैसे खुल गई। 3 नंबर में है, दुकानदार की पत्नी और करनी की पोल कैसे खुल गई। उत्तर लिखेंगे, एक व्यक्ति एक दुकान से कुछ सामान खरीदना चाहता था। वह अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था। यानी जब एक व्यक्ति आया कुछ सामान लेने के लिए दुकान पर आया, तो उसने देखा, उसने अपना जो स्कूटर था दुकान के सामने खड़ा कर रहा था, उसने तो दुकानदार ने उसे टोका, दुकानदार ने उसे वहाँ स्कूटर खड़ा करने के से रोकते हुए कहा कि दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा करना ठीक नहीं है। क्या बोला उसने स्कूटर ड्राइवर से, क्या बोला दुकानदार ने उसे वहाँ स्कूटर खड़ा करने से रोकते हुए कहा कि दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा करना ठीक नहीं है। दुकानदार की बात मानकर उसने अपना स्कूटर दूसरी जगह खड़ा कर दिया। अब जो स्कूटर जो था ड्राइवर जो स्कूटर वाला था, उसने जब दुकानदार ने मना किया तो उसने क्या कहा, क्या करा, उसने स्कूटर खड़ा करना ठीक नहीं है, दुकानदार की बात मानकर उसने क्या करा, अपना स्कूटर दूसरी जगह खड़ा कर दिया। इतने में क्या होता है, दुकानदार का बेटा आया, उसने अपना स्कूटर दुकान के सामने सड़क पर ही खड़ा किया, परंतु दुकानदार ने उसे मना नहीं किया। दूसरों को सलाह देते हैं और खुद वही काम करते हैं। जब उसने स्कूटर जब रखा तो दुकानदार ने मना किया कि दुकान के सामने सड़क पर रखना, स्कूटर नहीं रखना है तुमको, दुकान के सामने से हटाकर कहीं और रख दो। लेकिन इतने में क्या होता है, उसका बेटा आता है और वहीं सामने सड़क पर उसे खड़ा कर देता है, परंतु दुकानदार ने उसे क्या है मना भी नहीं किया। तो इस तरह इतने में क्या होता है, दुकानदार का बेटा आया, उसने अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा सड़क पर ही खड़ा किया, परंतु दुकानदार ने उसे मना नहीं किया। इस तरह दुकानदार की पत्नी और करनी की पोल खुल गई। क्या होता है, इस तरह क्या होता है, दुकानदार की जो पत्नी जो बोलता है और जो करता है उसकी पोल खुल गई। 4 नंबर है, किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा। किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा। उत्तर लिखेंगे, किराएदार अपने घर में एक मित्र से बातें कर रहा था। उसी समय मकान मालिक उससे 4 महीने से बाकी किराया लेने आया। उसने दरवाजा खटखटाया, किराएदार ने खिड़की से झांक कर उसे देखा। उसने अपने बेटे को समझाकर बाहर भेजा। बेटे ने कहा, पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं हैं। उसने क्या बोल दिया आकर मकान मालिक को, पिताजी ने उसे समझाया, ऐसा बोल दे जाकर के वे मेरे पिताजी घर पर नहीं हैं। तो जो बच्चा होता है और उसका लड़का आता है, बेटे की बात सुनकर क्या है, उसने क्या बोला कि भाई मेरे पिताजी कहते हैं वो घर पर नहीं है। बेटे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठा मित्र मुस्कुराया। इस तरह
किराएदार मित्रों को अपनी पत्नी और करनी में अंतर के लिए शर्मिंदा होना पड़ा।